हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग की शुरुआत में आज मंडे शाम से कर रही हूँ। टाइम जो है वो 7:15 हो रहा है और आज मुझे जाना है। मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ क्योंकि इतने टाइम रह के जा रही हूँ, जाने का मन नहीं हो रहा है, बट जाना है घर पे क्योंकि ऑलरेडी मेरे को एक महीना हो जाएगा। 19 तारीख को आई थी और आज 15 तारीख हो रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि कल को अनवीत को है हॉलीडे और परसों का भी हॉलीडे है, 2 दिन ये घर पे रहेगा। और मम्मी कह रहे और रुक दो, मैंने कहा नहीं, अब नहीं मैं रुकने वाली, अब मुझे जाने दो क्योंकि इतना टाइम हो गया है और घर पे भी वहाँ जाके देखना है और इतना टाइम जाने को तो नहीं मन करता बट जाना ही है घर पे। यही सिचुएशन आती है जब वहाँ से आती हूँ ना तो आने का मन नहीं होता, जब यहाँ आती हूँ ना तो मेरा ऐसा मन होता कि मैं जाऊँ ना, बट जाना है। तो इतने दिन मुझे ये होता है कि मम्मी को इतने दिन रौनक रहती है अनवीत के कारण, मेरे कारण और पूरे घर में। नहीं तो पीछे से क्या करते हैं मम्मी, मतलब अपना अकेले रहना बंदे का मन भी नहीं लगता है, काम करते रहते हैं। हमारे आने से थोड़ी रौनक रहती है, इनका भी थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, खुश रहते हैं और ऐसा था। और आज मैं जा रही हूँ, मुझे वहाँ जाने की भी खुशी है और यहाँ मम्मी को छोड़ के जाना उसको थोड़ा दुख भी है। इतने दिन रही हूँ, काफ़ी रौनक से काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करा, कैसे इतने दिन निकल के बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, अभी इतनी जल्दी नहीं आऊँगी क्योंकि मैं जब एक बार आती तो रह के जाते, फिर मैं 3-4 महीने बाद या 2 महीने बाद रहने आती हूँ। तो देखते हैं आगे कब आती हूँ। और अभी मैं नहा चुकी हूँ और अनवीत को भी नहला दिया दोबारा क्योंकि गर्मी थी, आज पूरा दिन लाइट नहीं थी और इतनी गर्मी के कारण आज सारा दिन रेस्ट करी, उठे नहीं हम लोग। और दोपहर में हमने बस बना रहे थे इडली बट बनी नहीं कि उस टाइम पे हमें लाइट के कारण हमें बनानी पड़ी मैगी। तो उसके बाद खाना हमने बनाया नहीं, हम सो गए थे क्योंकि इतने थके हुए थे ना कि खाना बनाने का मन ही नहीं हुआ और ना ही हिम्मत हुई किसी की। और उसके बाद जो इडली का बैटर था वो भी मम्मी ने तैयार करा, मैं इडली खाऊंगी और घर को निकल जाना। अंकुश मुझे छोड़ के आएगा क्योंकि पंकज जी जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, फिर ज़्यादा रात तक जाना ठीक नहीं है। तो अभी अंकुश हमें छोड़ने जा रहा है और मैं हो चुकी रेडी जाने के लिए, सामान मैंने पैक कर लिया अच्छे से। इतने दिन मैंने अपना ही खलारा डाला हुआ था, अभी सारा सामान जो इन 3 बैग में समेट चुका है, बाकी छोटा छोटा सामान है जैसे अनवीत का बैग, शूज, ये वो एक अलग पैकिंग होगी। तो मुझे जाना है, पैकिंग हो चुकी है। ये भी कैसा टाइम होता है, कहाँ लड़कियाँ जहाँ रहती हैं कभी सोचा नहीं होता है जाना, जब शादी हो जाती है ना तो उनको जाना ही पड़ता है, फिर नहीं कहते कि आज जाना है कल जाना है, फिर उनको कुछ ना कुछ देख के अपना जाना ही होता है। थोड़े से टाइम के लिए रहने का मौका मिलता है, बाकी ज़िंदगी तो वहीं कटनी है। तो अभी थोड़ी सी इमोशनल हूँ। यहाँ पे हो चुका है रेडी, कहाँ जा रहे हैं हम आज? हैप्पी है, हैप्पी हो आप? क्योंकि इसने यहाँ पे भी अपने फ्रेंड्स बुला लिए थे। बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, अपने ससुराल। टाइम सवा 8 हो गया, मेरे को अंकुश अभी छोड़ के गया, हो गया मेरे को 15-20 मिनट, 8 बजे मैं पहुंच गई थी। और आते ही क्या काम होता है, रूम की सेटिंग करना और जो जो सामान हम यहाँ से भर भर के लेके गए थे ना उसको अपनी अपनी पोजीशन में लगाना होता है। पहले जाने की तैयारी करते हैं, फिर जो बैग भरे होते हैं उनको खाली भी करना होता है। तो अभी भाभी बना रहे हैं किचन में खाना, मम्मी जी डैडी जी को खाना खिला रहे हैं और मैं इधर कर रही हूँ अपने सामान की सेटिंग क्योंकि सुबह जाना है ऑफिस। तो ये जो सारा सामान है इसको अपनी अपनी जगह रखना है, शूज चप्पलें वो मैंने सब रख दी अपनी जगह पे और रूम कर दिया है सेट। वैसे तो सेट ही था पर थोड़ी बहुत जो सेटिंग होती है सामान की अपनी अपनी पोजीशन वो करनी है। और अभी मेरा एक पार्सल था जो हम रास्ते से लिया क्योंकि आज की डेट में मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। ये मैंने ना यात्रा के लिए कुछ शॉपिंग करी थी, जो 2 सूट थे वो मैंने पहले वेयर कर लिए, एक था जो उस टाइम पर आया नहीं था तो ये आज ही आया, तो इसको हमने रास्ते से लिया। और अभी भाभी खाना बना रहे हैं, पंकज जी के आने का वेट हो रहा है, हम कितने दिनों बाद मिलेंगे। वैसे तो ये आते रहते थे दूसरे तीसरे दिन, तीसरे दिन अभी फिर अनवीत आज पता क्या कहता दोपहर में खाना का, कहता आज तो पापा के साथ ही खाना खाएंगे। मैं क्या, हाँ अभी हम आते टाइम इडली खा के आए हैं तो अभी इनका वेट कर रहे हैं। और हेलो, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? इसकी ड्यूटी लगी हुई है भोग लगाने की और ये भोग लगा रही है ठाकुर जी को। वेरी गुड। और अभी ये जो प्रसाद है वो हम बांटेंगे, मम्मी जी करेंगे ये सब, मैंने बस निकाल के रख दिया।
इधर भाभी बना रहे हैं किचन में खाना। कैसे हो आप? ठीक हूँ। बढ़िया। आप सुनाओ? मैं भी ओके हूँ। बहुत टाइम लगा के हूँ ना मैं। चल एंजॉय हो गया, छुट्टियों में होता है। हाँ हाँ। और अपनी रिव्यू जो है वो नीनी कर रही है, क्योंकि जब मैं उस टाइम पे रो रही थी क्योंकि उसका नींद का टाइम होता है, तो अभी वो भाभी उसको जस्ट ला के और बना रहे हैं खाना। अनवित ने आती अपने कलर अलमीरा खोली, पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं। और अभी जो मैं खाटू श्याम जी से लेके आई थी वो मैं अभी पूजा रूम में रखूंगी। एक मैं चाची जी के लिए और एक अपने घर के लिए लेके आई थी। अभी लगाएंगे इनको भोग और प्रसाद वगैरह बांटते हैं, वो मम्मी जी करेंगे सब। मैं इनको रखूँगी पूजा रूम में। और ये मैं कुछ लेके आई थी की रिंग्स, बस यही थोड़ी बहुत शॉपिंग करी मैंने। एवरीवन, तो अभी मैं ऑफिस जाने के लिए हो रही हूँ रेडी। और टाइम जो है वो मेरे जाने का हो चुका है। और मैं आज अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के अपना जो भी शेड्यूल है, आज क्या हुआ, कोई अलार्म नहीं, कोई कुछ नहीं। कहते हैं ना जब टेंशन होती है तब मैं आप नींद जो हमारी खुल जाती है, तो ऐसे ही हुआ। 5:30 नेट, मुझे ये डर था कहीं मैं 7 बजे ना उठूँ। 5:30 एग्जैक्ट मेरी आँख जो है खुल गई और मैं उठ गई थी अपने टाइम पर। ज़्यादा वो नहीं लगा, अभी तो मैं आराम कर गई हूँ, तब थोड़ा इतना फील नहीं होता। जैसे जैसे वही डेली शेड्यूल, तो थोड़ा टायर्ड होने की वजह से थोड़ा लगता है कि हाँ ये सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं वैसे हो जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अनवित खेल रहा है रियू के साथ, मम्मी मेरा भाभी वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं ऑफिस जाने के लिए हो रही हूँ रेडी, क्योंकि सुबह उठ के आज बनाई थी मैंने घी की सब्जी, तो अभी ब्रेकफास्ट उसी से कर रहे हैं और हमने टिफिन में भी वही डाला। तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस के लिए, तैयार हो जाते हैं। आज सावन का मंच जो है वो कल से स्टार्ट हो गया, क्योंकि कल थी संक्रांत। और आज मैं और पंकज फटाफट से नहा धो के और अनवित को भी साथ लगे गए थे और साथ वाले मंदिर में जय माथा टेक के आए हैं और बहुत अच्छा लगा। डेली ऐसे थोड़ा हम सोच लेते हैं कि हमें डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें मंदिर जाना चाहिए डेली, बट हम ऐसे करते रहे, अब जाते हैं। बट आज पंकज जी रेडी हुए, कहते जल्दी जल्दी से, फिर मेरे को 2 बार नहाना होता है, एक बार सुबह नहाती हूँ, एक बार जब किचन से आती हूँ ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है तो फिर नहाना पड़ता है, बहुत फ्रेश फील होता है। तो उसके बाद मैं जग गई थी मंदिर। तो चलते हैं ऑफिस के लिए, बस काम करनी है। मेकअप मैंने कर ही लिया, मेकअप क्या, लिप शेड और बिंदी लगानी होती है बस, और कुछ नहीं करना। और मिलवाती हूँ रियो से स्माइली को, दो स्माइली। ये बहुत बातें करती है, बहुत बातें करती है। मुझे खाना व्लॉग में।